और सुबह सुबह हम लोग का गुड मॉर्निंग हो गया है खराब, क्योंकि आप मम्मी को दो स्क्रू ड्राइवर, मम्मी को दो क्योंकि मेरा मशीन हो गया है खराब। और जब हम सुबह सोचे कि कपड़ा डाल दें मशीन में, तो जब टंकी में पानी ऑन किए तो देखिए पानी मेरे पूरे घर में आ गया। देखिए ये रहा पानी, ये देखिए, क्योंकि ये मशीन का टंकी लीक हो गया है। हम एक बार और, ये प्रॉब्लम मेरे मशीन में दो तीन बार हो चुका है, इसका पानी का टंकी बार बार लीक हो जाता है, पता नहीं क्यों। इसके लिए हम एक बार ये कि सैमसंग का है ना जी, सैमसंग वाले को बुलाए थे, तो दो तीन बार आके बनाया था, तो जब इसका गारंटी ख़त्म हो गया तो वो हमसे बोला कि मैम हम लोग यहाँ पे घर पे आके बनाने का चार्ज 800 रुपया बाट है। हम बोले हैं उसके बाद हम बोले कि हम ही सीख लेते हैं मशीन बनाना, थोड़ा बहुत जितना से काम चल जाए, कम से कम अपने हस्बैंड का 800 बाट तो बचाएंगे। तो ऐसे बिगड़ा था एक दो बार और, तो हम बना लिए थे मशीन। इस बार हम फिर ट्राई करते हैं। और कहीं स्क्रू है क्या? खुल रहे नहीं। ऐसा स्क्रू ड्राइवर दो हमको, मम्मा को दो, मम्मा को दो। ये निकल रहे क्यों नहीं? ओ इसको पकड़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत काम लेडीज लोग को सीख लेना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा पति का सब कमाई इसी में चला जाएगा। यहाँ से रुको, अब हम देंगे पानी का कनेक्शन, देके तब उसके बाद पता चलेगा उसी में पानी क्यों नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखते हैं टंकी का पानी लीक हो रहा है कि नहीं। देखिए पानी यहाँ आधे पे चढ़ रहा है। देखिए पानी आ रहा है, इसका मतलब मशीन बन गया है। अब थोड़ी देर में मशीन बंद करके चला के देखेंगे, लीक नहीं ना हो रहा है फिर से। और ये इसके पीछे देखिए आस्था का गाड़ी है। और ये सुबह सुबह हम लोग का काम बढ़ गया है, देखिए कितना पानी हो गया। हमको पता नहीं था कि टंकी खराब हो गया है, और हम यहाँ पे इसका कनेक्शन पानी का कनेक्शन देके और चले गए थे किचन में, आके देखे तो पूरे घर में देखे मेरा पानी भरा हुआ है। देखिए थोड़ा हमको साफ करना पड़ेगा। और वो आस्था है, उसको मस्ती चल रहा है, सारा कपड़ा रखा हुआ है धोने को। अब शायद टंकी बन गया है, बस मिस्त्री आते हैं इतना ही काम करते हैं, और 800 बाट मांगते हैं यहाँ पे। घर पे आने का उनका चार्ज है, इतना काम हम खुद कर लेते हैं। दो तीन बार ऐसे बिगड़ा है, दो तीन बार हम कर लिए हैं, और मेरा मशीन बनाना सक्सेस हो गया है। इतना इतना काम आप सभी लोगों को सीख लेना चाहिए हल्का फुल्का, क्योंकि जो आप यहाँ से ये कनेक्शन है ना फ्यूज ऑन ऑफ करते हैं ना, तो उसमें एक ऐसे टंगना सा बना हुआ रहता है, उसमें एक ढक्कन होता है, तो जब आप ऑन ऑफ करते हैं ना, तो जब कपड़े को धुलते हैं तो कपड़े में कभी कुछ कचरा होता है, जैसे सिक वगैरह हो गया या कुछ भी कभी कभार चला जाता है, अगर बत्ती का लकड़ी एक बार चला गया था तो वो है ना, जो टंकी जो एक रबड़ होता है टंकी के ऊपर बैठता है
वो लॉक कर देता है, तो कभी कभार आपके टंकी में ना वो कचरा जाके फंस जाता है और लॉकर उसके ऊपर फिक्स नहीं होता है, और उसी की वजह से टंकी का पानी लीक होना चालू हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, मशीन को खोलिए और टंकी का ढक्कन ओपन करिए और उसमें देखिए अगर कुछ कचरा है उसे निकाल के फेंक दीजिए। इतना ही काम के लिए वो आएंगे वर्कर तो बोलेंगे 800 दीजिए, 1000 बाट दीजिए, कौन देगा? वो 800 1000 बाट बचेगा तो कुछ नहीं, तो कम से कम 2000 पैकेट चावल तो आ ही जाएगा। और सुबह सुबह हम लोग चंपकलाल बन के बैठे हैं, माँ बेटी सब पूरा ऑयल लगाए हैं शरीर वो सर में, क्योंकि आज है शनिवार, आज सब ऑयल लगाएगा कल धोएगा, आज तो धोएंगे नहीं। और ये हमारा रेडी हो गया है मशीन कपड़ा धुलने के लिए। इतना ही काम के लिए हम स्टार्टिंग में दो तीन बार हम मिस्त्री को बुलाए थे बनाने के लिए, तब मेरी मशीन गारंटी का था ना तो पैसा नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टाइम एक बार जब खराब हुआ तो हम बुलाए तो वो हमसे 800 रुपया बाट लेके गया था। वैसे हम बोले हम खुद से ही सीख लेते हैं ना थोड़ा बहुत काम मशीन का। और अब देखिए पानी लीक नहीं हो रहा है। और आपसे मिलते हैं देर के बाद। और मेरा कपड़ा धोने का हो गया है कंप्लीट, और आस्था नहा ली है, अब आस्था करने वाली है जय। अब देखिए हमको बोल रही कि फेस पाउडर से जय होगा, और आस्था के पापा जब आएंगे तो आस्था अपने पापा के साथ जय करेगी। जय कैसे करते बेटा, जय कैसे कैसे करते हैं, जय करते हैं। पापा को बुलाओ, बोलो आओ आओ। और ये देखिए बाप बेटी का पूजा का तैयारी हो गया है, देखो पापा पूजा कर रहे हैं, तुम क्या कर रही हो? ये टीका लगा रही है, आज से टीका लगा रही है पूजा का, और उसको कुछ नहीं मिला तो मेरा फेस पाउडर ले ली है, ख़त्म हो गया था उसी को। और आस्था के पापा यहाँ दिया का बत्ती बना रहे हैं भगवान को बत्ती दिखाने के लिए, और ये बना रहे आस्था के पापा क्या दिया। और मेरे हस्बैंड हैं, और ये आस्था कर रही है, आस्था पापा जय करने जा रहे हैं, भगवान जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं, लोटा लेके गए पानी लाने। हाँ आम आम छी। आस्था सबको बड्डी कर लो, इधर 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 कैमरे में बड्डी कर लो, बड्डी कर लो। और मेरा जितना थोड़ा फेस पाउडर बचा हुआ था उसको बर्बाद कर रही है आस्था। आस्था हाय कर दो, हाय कर दो बेटा। अब फेस ये देखिए बिस्तर पे भी फेस पाउडर गिरा दिया है। आस्था को बस बर्बादी करने में मज़ा आता है घर में। और ये आ गए आस्था के पापा जल लेके, और ये बाहर जल चढ़ा दिए हैं, ये घर पे भगवान को दे रहे हैं जल मंदिर पे। आस्था पापा जय कर रहे हैं, जल्दी जाओ, पापा जय कर रहे हैं, भगवान जी को जय कर दो। और आस्था भागी अपने पापा के पीछे देख के, जब वो देख ले कि दिया जल गया है तो उसको प्रेशर आ जाता है जल्दी जल्दी, देखिए अब गोद में चढ़ने के लिए। आज पापा आस्था को नहीं लेंगे गोदी, आज नहीं लेंगे पापा गोदी। वाह जय, भगवान को जय बोलो पहले। और ये रोज अपने पापा के साथ ऐसे ही आस्था पूजा करती है, और आस्था अपना फल का टोकरा अलग चढ़ाती है, देखिए भगवान को, ये आस्था का है, आस्था अपना फल का टोकरा भगवान को अलग चढ़ाएगी, आस्था के पापा अलग। और ये अब भगवान को चढ़ाएंगे दूध का भोग, क्योंकि फ्रूट तो आस्था चढ़ा दी है, आस्था के पापा दूध चढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो रहते हैं वो लोग जानते होंगे, सब भगवान को ऐसे ही एक फोमोट का दूध चढ़ा देते हैं एक कपंग सुबह को। जय कर लो भगवान को दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के। ये देखिए आस्था ब्रेड लेके भागी हुई है,
अभी इसके पापा इसके लिए नॉर्मली में ब्रेड लगाएंगे, ब्रेड में नॉर्मली लगाएंगे तब ये खाएगी। ये पहले ही लेके भाग रही है। सबको खाऊ खाऊ करके दिखा दो आज तक कैसे खाऊ करती है। देखिए ये सूखा ब्रेड खा रही है। ओके बाय। अरे खाएगी आस्था, आस्था सूखा ब्रेड खा, आस्था वो ले लो, नॉर्मली वाला ले लो, अच्छा वाला ले लो, अच्छा ब्रेड खाओ। फ्रेंड ये देख लीजिए जी, हम लोगों का इलेक्ट्रिक बिल है बिजली का, और ये मेरे नाम से है। अगर कोई पढ़ने आता होगा तो देखिए मेरा नाम लिखा है, थोड़ा धुंधला दिखा है। और इस महीने का बिल आया है ये पकड़िए आप इतना, और हम लोग ने इसको बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए। ये पिछली रिसीविंग है, पिछले महीने का जो रिसीविंग आता है इसमें जोड़ के आता है बिल में, और ये इस महीने का है जो पिछले महीने का बिल है जो हमने बिल जमा कर दिया 400। और ये पकड़ेंगे, चाँ चाँ कर रही है। और फ्रेंड इसमें फैसिलिटी इतना है कि जिसका जिसका खुद का घर है उसको बिजली का बिल 100 यूनिट माफ़ किए हैं यहाँ का सरकार। और 2-3 महीने तक तो हम लोग बिल ही नहीं दिए थे, 0 बिल आ रहा था 3 महीने तक। और देखिए हम लोग का बिल कितना कम आया है, 159 रुपीज़ और 17 पैसा इतना ही आया है। लेकिन हम लोग का ओरिजिनल बिल है कितना, इतना ही देना है। पता नहीं क्यों कैमरा साफ नहीं आ रहा है। हम लोग का ओरिजिनल बिल आया है 452 रुपया। आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं 452 रुपये। लेकिन अभी में सरकार ऐसा किया है कि 100 यूनिट तक आपको फ्री है, 100 यूनिट के बाद अगर जितना बिल यूज़ करेंगे उसका बिल आपको पे करना पड़ेगा। ये कोरोना में हम लोग को थोड़ा फैसिलिटी मिला है, और 3 महीने तक तो यहाँ पे पूरा छूट था, जितना भी बिजली जला लो, 1 भी रुपया नहीं दिए थे। और इस महीने का बिल मान लीजिए सारा यूज़ करने के बाद 160 रुपये मान लीजिए, 160 रुपये बिल आया था, जबकि दिन भर कूलर पंखा वॉशिंग मशीन मिक्सर टीवी सब कुछ चलते रहता है। और ये आस्था और आस्था के पापा का नाश्ता चल रहा है, बाप बेटी दोनों का। और ये सुबह सुबह का ब्लॉग था तो सोचे आज सुबह बना के सुबह ही डाल दें, शाम को देखेंगे तो दूसरा ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि 2 दिन से मेरा ब्लॉगिंग नहीं हुआ था। और आस्था अपने पापा को खिला रही है, बात कर रही है, पता नहीं क्या क्या बात करती रहती है पापा से। आम 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 कैसे करते हैं आम। और इसको सूखा ब्रेड पसंद है, सूखा ब्रेड खाती है। आम करके दिखाओ, दे दो मम्मा को, दे दो आम करके दिखाओ। ये बाप बेटी का प्यार है। और कोरोना के समय तो थाईलैंड में हम लोग को बहुत सुविधा मिला है, बहुत ही ज़्यादा सुविधा जान लीजिए। हमेशा यहाँ की सरकार, यहाँ का राजा जो है मदद कर रहे हैं, कभी 3,000 कभी 7,000 कभी 5,000 महीना, हर 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 किसी को मिल रहा है। अगर घर में 18 साल से ऊपर 4 आदमी है तो 4 को मिलेगा, ऐसा नहीं कि घर के पीछे मिल रहे, नहीं, आपके घर में जितने लोग हैं 18 साल के ऊपर सबको मिलेगा। हाँ यहाँ की लेडीज़ लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं ना हैं इसके लिए। और आस्था बड़ी होती तो आस्था को भी मिलता ना, आस्था मेरी आस्था को भी मिलता है 800 रुपये, 800 बाट एक जगह से मिलता है, 600 बाट एक जगह से मिलता है दूध के लिए कोरोना में ना बेटा। 600 तो पहले से ही था लेकिन 800 रुपया अभी 6 साल तक इसको मिलेगा, कोरोना जब से आया है तब से।
और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, और आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आशा को बाय बताना नहीं पड़ रहा है, बाय कर ले रही है। और अब हम चलेंगे बाहर कपड़ा डालने, और आस्था के पापा को देंगे दाल चावल, क्योंकि सब्जी वगैरह तो वो खा नहीं रहे हैं, बस उनको दाल चावल सुबह सुबह मिलेगा।